नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। शारदीय नवरात्र महोत्सव को लेकर तीर्थ नगरी ऋषिकेश में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्र महोत्सव की पूर्ण संध्या पर शहर के बाजार में श्रद्धालु महोत्सव की तैयारियों को लेकर जमकर खरीदारी करते हुए लोग नजर आए। त्रिवेणी घाट सहित अन्य गंगा घाटों पर भी श्रद्धालु गंगा जल और रेत लेने के लिए पहुंचे। पूजा अर्चना के लिए तमाम मंदिर नवरात्र महोत्सव को लेकर सज चुके हैं। बाजारों में पिछले 15 दिनों से पितृपक्ष होने के कारण धंधा मंदा पड़ा था, लेकिन नवरात्र के आगमन के साथ ही व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्र महोत्सव के तहत प्रतिदिन माँ के अलग अलग रूप की पूजा की जाएगी। देखिए जी, सर्वप्रथम तो इस बार नवरात्र पूरे 9 तिथि जो आपको मिल रही है वो पूरी 9 तिथि है और पूर्ण तिथि है। इसलिए नवरात्र इस बार बहुत अच्छा मनाया जाएगा और देवी की प्रतिष्ठा करें घर में, देवी का पाठ करें घर में और व्रत इत्यादि का जो आप करते हैं वो करें। घट वगैरह, हाँ, घट स्थापन का आप जो है 8:30 से 10:30 के बीच और एक अनुचित मुहूर्त पड़ता है उसमें भी कर सकते हैं। लक्सर में आज त्रिस्तरीय चुनाव के लिए मतदान है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया है। लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपना मत देने का इंतजार कर रहे हैं। बढ़िया चल रही है, कोई बेमानी नहीं है। हम सब जगह घूम रहे हैं और सबको हमने सख्त हिदायत दे दी कि फालतू तो आदमी अंदर नहीं जाएगा, वोटर ही अंदर जाएगा। एजेंट पहचान करे वोटर सही है नहीं है वो काम उनका है, बाकी जो है ऐसे कोई वो नहीं है, पूरा हमारा पर्याप्त लगा हुआ है। सरोवर नगरी नैनीताल में भाजपा और विभिन्न संगठनों के द्वारा ऋषिकेश यमकेश्वर में अंकिता भंडारी हत्याकांड में दोषियों को कड़ी सजा की मांग और मृतका की आत्मा की शांति के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा नगर के मल्लीताल पंत पार्क में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विधायक सरिता आर्य, मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट, युवा मोर्चा अध्यक्ष आसू उपाध्याय के अलावा अन्य कई लोग मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा भर्ती घोटाले में कांग्रेस का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र नमोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा भर्ती घोटाले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से नौकरी पाने वालों को नौकरी छीनकर सजा दी गई है, लेकिन जिन लोगों ने नौकरी देने का काम किया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने प्रेमचंद्र अग्रवाल को मंत्रालय से बर्खास्त करने की मांग की है। रितु खंडूरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए भर्तियां निरस्त की, लेकिन ये आधी अधूरी है। वो अभी कह रही है कि पूरी जांच पूरी हो गई। सजा नौकरी पाने वाले को जब मिल गई है तो नौकरी लगाने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है कि तत्काल प्रभाव से जो इसके मुख्य दोषी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल नानकमत्ता पहुंचे, जहां उन्होंने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारे में शीश नवाया। इस अवसर पर नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री को सरोपा भेंट किया गया और इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने डेरा कार सेवा पहुंचकर बाबा हरवंश सिंह, बाबा फौजा सिंह, बाबा टहल सिंह की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि धर्म और समाज की रक्षा के लिए गुरुद्वारा दिए गए बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। नानकमत्ता शहर का नाम श्री नानकमत्ता साहिब करने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नानकमत्ता साहिब में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के आवागमन के लिए हेली सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में जसपुर क्षेत्र में भी कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान और कांग्रेसी कार्यकर्ता जसपुर सुभाष चौक इकट्ठा हुए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही भाजपा सरकार का पुतला फूंका। वहीं कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने कहा कि भाजपा ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा नेता के बेटे के द्वारा एक बेटी की हत्या की जाती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटी सुरक्षित नहीं है। और ये नहीं किसी एक आम आदमी के द्वारा, किसी के द्वारा, उनके मंत्री के बेटे के द्वारा ये हत्या की जाती है, जघन्य अपराध किया जाता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। क्योंकि जो सरकार बेटी को सुरक्षित नहीं कर सकती उसको ये नारा देने का अधिकार नहीं। जहाँ क्योंकि लखीमपुर खीरी कांड हो, किसानों पर आंदोलन का मामला था, अगर उस पर गाड़ी के द्वारा रोंदे जाता तो वो भी क्योंकि मंत्री के पुत्र के द्वारा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके परिवार के लोग कितना सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसमें आम जन
सुरक्षित नहीं है। हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और उनको तत्काल, क्योंकि उनकी जो हाई मतलब जो स्पीड में हो और उनको तत्काल फांसी दी जाए। ऋषिकेश के चीला वनंद्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के बाद से लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। राज्य मंत्री के बेटे आरोपी पुलकित आर्य और उसके सहयोगियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है और वनंद्रा रिजॉर्ट को सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। वहीं सरकार ने SIT जांच के निर्देश भी दिए, बावजूद इसके लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकार अंकिता के हत्यारों को बचाना चाह रही है, इसलिए मामले में CBI जांच हो और अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा मिले। नैनीताल के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश के चलते दो राज्य मार्ग रामनगर भंडारपानी काठगोदाम सिमलिया बेन के अलावा 5 ग्रामीण मार्ग भी बंद हो गए, जिन मार्गों को खुलवाने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नालियों के बंद हो जाने से बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है। पहाड़ों से पत्थरों के लुढ़कने का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी तक कोई जान माल की हानि होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं शनिवार और रविवार होने की वजह से सरोवर नगरी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन सभी पर्यटक होटलों में ठहरे मिले। श्रावस्ती में पुलिस ने नशा कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए गांव में दबिश दी, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 17 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस को 70 किलो लहन भी हाथ लगा है। वहीं पुलिस ने बड़हरवा गांव से 10 लीटर शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री की पहल पर सीता द्वार मंदिर का कायाकल्प शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सीता द्वार मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने तैयारियां तेज कर दी है। हाल ही में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सीता द्वार मंदिर का दौरा किया था। मंदिर के 150 हेक्टेयर भूमि का कायाकल्प होगा, साथ ही इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, जिसका मुख्य आकर्षण केंद्र फिश एक्वेरियम, वाटर पार्क, बोट क्लब, लोटस गार्डन, हैंगिंग रेस्टोरेंट रहेगा। आपको बता दें कि श्रावस्ती में बौद्ध तपोस्थली पर कई देशों के पर्यटक आते हैं। मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमने जनपद श्रावस्ती में जल संचयन, जल संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। सीता द्वार का जो झील और मंदिर का परिसर है, करीब 150 हेक्टेयर की झील है जो पूरी तरह जलकुंभी से कवर्ड थी। तो पिछले साल यहाँ पर कार्तिक के महीने में कजरी तीज का मेला भी हुआ था, और इसलिए फिर हमने तभी ये सोचा था कि इस पूरी झील को हम साफ करें, और हमने ये अभियान चलाया। इसमें हम जनता ने बहुत हमारा साथ दिया, और सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इस अभियान में भाग लिया। बहुत सारे NGOs थे और सेल्फ हेल्प ग्रुप थे। हम सब ने अक्षय तृतीया के दिन इस अभियान को स्टार्ट किया था, और पूरी झील को हमने साफ़ कर लिया है, सारी जलकुंभियाँ हट गई हैं। इसमें हमारा बोटिंग भी शुरू हो गया है, एक बोटिंग क्लब की स्थापना हमने इसमें कर ली है। यूपी सरकार के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सिद्धार्थ नगर का दौरा किया। इसके साथ ही डिप्टी CM ने जिले में ताबड़तोड़ निरीक्षण किए। सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौली का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्वच्छता में खामियां मिलने पर CMO को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही आशा बहुओं के बकाया मानदेय को तुरंत भुगतान कराने का निर्देश दिया। CHC के निरीक्षण के बाद डिप्टी CM कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मिठवल पहुंचे और निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां लोगों से बातचीत की और व्यवस्था के साथ मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। सिद्धार्थनगर में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल डिप्टी CM ब्रजेश पाठक सिद्धार्थनगर दौरे पर पहुंचे थे, जहां वे चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम के बीच में सांप निकला, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। खबर गाजीपुर से है, जहां प्रशासन ने मुख्तार के होटल गजल में मौजूद दुकानें बंद करवा दी है। SDM सदर की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने होटल गजल के ग्राउंड में मौजूद दुकानों को बंद कर दिया है। गौरतलब है कि गज़ल होटल को पहले भी कुर्क और ध्वस्त किया गया था। होटल गज़ल के ग्राउंड फ्लोर में मौजूद दुकानें भी सीज की गई थी। कुछ दुकानों को हाईकोर्ट से राहत मिली थी। हालांकि हाईकोर्ट ने रेंट एग्रीमेंट की समय सीमा तक दुकानदारों को दुकान खोलने की राहत दी थी, और अब रेंट एग्रीमेंट की समय सीमा खत्म होने पर प्रशासन ने दुकानें बंद करवा दी है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।